ये इस कर ऐसी करोड़पति किस काम की, किस चीज को लेकर हम ये कहते हैं कि अगर हम बीमार पड़े हैं तो सीधे तरीके से बीवी सीधी बात नहीं करती, तुम बीमार पड़ के तो देखो एक बार, तो वो भी बात नहीं करती, क्यों? क्योंकि सारा तो काम का कम चाहिए, काम में नहीं है। तो हम ऐसी स्थिति अपने जीवन में ना आए, ऐसी स्थिति अपने जीवन में ना आए, तब रुद्रयामल तंत्र के उसमें कहा है कि जो नर्मदेश्वर गणपति है, नर्मदा में मिलने वाला गणपति, या फिर शिव के वीर्य से बना हुआ भारत का गणपति, इसको नर्मदा के तट पर ही अगर 3 दिन कोई साधक रात के 10 बजे के बाद साधना करता है, यानी एक पान के ऊपर कुमकुम से घेरा बनाकर स्वस्तिक निकालकर उसके ऊपर गणपति रखकर, मैं जो मंत्र बोलता हूँ वो केवल 3 माला मंत्र जप करना है, क्योंकि आप बड़ा तो नहीं कर सकते, ये गारंटी देता हूँ तुम्हारे को कि तुम्हारे घर में कैंसर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है जो ये साधना संपूर्ण करता है। और धड़ल्य और विश्वास के साथ कह सकता हूँ मेरी गुरु कृपा मुझ पर इतनी है कि पूरा कोरोना के 3 साल आपने देखा है, मेरे आश्रम में कोई मास्क नहीं पहना, मेरे आश्रम में गुरु जन्म दिवस हुआ, गुरु पूर्णिमा, कोई गुरु पूर्णिमा मास्क नहीं पहना, और एक चैलेंज के साथ कहता हूँ कि किसी को कोरोना नहीं हुआ, कोरोना हुआ भी होगा आश्रम के वासियों को तो हुआ ही नहीं, बाहर के लोगों को भी नहीं हुआ, और हुआ तो कोई किसी को नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, ये मेरी गुरु कृपा की साधना है। मैंने कोरोना आने के बाद सिर्फ एक गुटिका देकर कहा था कि गुटिका तुम्हारे रखो, तुम्हारे को कोरोना इफेक्ट नहीं होगा, और मैं आज भी कहता हूँ कि वो कोरोना शायद 100 लोगों में अगर एक कोई तो इधर उधर होता है तो मुझे पता नहीं, 1% भी नहीं, 0.01% भी नहीं, कोरोना किसी को नहीं होता, आज भी मैं वो बात कहता हूँ आपको। ये सब राशियों के अधिपति गणेश जी कहलाए जाते हैं, ये नर्मदा की गणपति, नर्मदा का तीर उत्तर तट देवताओं का है और दक्षिण तट पितरों का है, इसमें जो गणेश मिलता है केवल वो उत्तर तट पर मिलता है, दक्षिण तट पर लाल गणपति नहीं मिलता। और ये गणपति की साधना मैं सोचा था कि कल रात आ जाना तो अब 3 दिन में नर्मदा तट पर साधना संपूर्ण हो जाएगी, लेकिन कल का दिन चले गया, आज सुबह का दिन भी चले गया। उस गणपति के उस मंत्र को अगर हम 3 दिन करते हैं तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम्हारे की तुम्हारी साधना करने वाले को कभी कैंसर नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, और ना नकवा लगेगा ना किसी प्रकार का रोग आएगा। ऐसी साधना इसलिए ही लाया हूँ कि ये साधना किसी रोग या बीमारी को जो हमें बहुत जीवन भर सताती है या अपने को बेड पर डाल देती है या अपने कुछ काम करने नहीं देती, ऐसी साधनाएँ ऐसी साधना ये रुद्रायण तंत्र में गणेश जी की साधना कही है। वैसे ही मैंने आज सौभाग्य सुंदरी के पास जाने के बाद अब सभी लोगों को उठाया, मैंने उसकी शायद कम लोग सुने होंगे लेकिन फिर भी एक बार फिर दोहराता हूँ कि सौभाग्य सुंदरी जी का की स्थापना कैसे हुई। जो आज सौभाग्य सुंदरी का स्थान है वो माता लक्ष्मी का घर वहाँ था, कहते हैं कर तो सत्ययुग में लक्ष्मी का स्थान वहाँ था, तो लक्ष्मी भृगु महर्षि जो विष्णु भगवान के और लक्ष्मी के बहुत ही प्रीतिकर थे और उन्होंने विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिया था और विष्णु भगवान भी उन पर प्रसन्न थे। लक्ष्मी जब कभी भी दिवाली के समय या इन पर्वों पर यानी अश्विन मास में अगर आती थी तो यहाँ आकर उसको वास करती थी, जहाँ आज सौभाग्य सुंदरी का गांव है वहाँ उनका घर था। ऐसा सत्ययुग में आप स्कंद पुराण में देखें तो कहा जाता है कि वहाँ आकर लक्ष्मी का वास था, वहाँ रहती थी। हुआ ये कि लक्ष्मी को वैकुंठपुर जाना था, वैकुंठ में जाना था विष्णु भगवान अपने विष्णु भगवान से मिलने के लिए। वो जाते जाते समय अब विश्वास तो मेरे को ऊपर है, जिसको विश्वास है उसी को देता हूँ, उन्होंने वैसा ही उस भृगु महर्षि को कहा कि मैं वैकुंठ जा रही हूँ, तुम इस एक घर संभालना। अब भृगु महर्षि तपस्या के लिए बैठ गए और उन्होंने वो तपस्या करने लगे। बाद में एक साल के बाद, 6-7 महीने के बाद लक्ष्मी माता आई ऊपर से, आकर बोली भृगु महर्षि को, अब उठो मेरा घर है, मेरा घर मुझे दे दो। भृगु महर्षि को तपस्या भंग हो गया, अगर मैं इसको घर दे दिया तो मेरी तपस्या तो मेरे को 1 साल करनी है, अगर हट गया तो ये कैसा होगा। उन्होंने झट के साथ कहा, मैं तो विष्णु को लात मारा हूँ, लक्ष्मी किस चीज़ की चीज़ है। उसने लक्ष्मी को झूठ कहा कि तुम्हारा घर कहाँ, ये तो घर मेरा है। अब लक्ष्मी को आया गुस्सा कि ये इसको मैं घर दे कर गया और ये कहता है कि ये घर मेरा है, मैं अब क्या करूँ। उनने देवताओं का आह्वान किया, देवताएँ, लेकिन किसी को कोई किसी की मजाल नहीं। गाँव वालों के ब्राह्मणों को बुलाया क्योंकि उनको सबको पता है, और उन्होंने कहा, आप हे ब्राह्मणों, आप सच सच बताओ ये घर मेरा है या भृगु महर्षि का है। उनको पता था कि भृगु महर्षि गुस्से में विष्णु भगवान को ही लात मारे हैं, ये तो हमें श्राप दे देंगे तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। और उन्होंने कहा कि अब किधर भी बोले तो भी कष्ट है, भगवान विष्णु हो या भगवान लक्ष्मी की किन्हीं के फेवर में भी बोलने कष्ट ही है। तो उन्होंने कहा, जिसके पास घर की चाबी है वो घर उसका,
अब चाबी तो भृगु महर्षि के पास थी, लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि इस नर्मदा के तट पर इस स्थान में जितने लोग रहेंगे वो दरिद्र हो जाएंगे, मैं लक्ष्मी छोड़कर चली जा रही हूँ। और उनके उनको तीन पीढ़ियों तक किसी प्रकार उनके घर में बुद्धिमान नहीं होगा, वेदों का आचरण करने वाला नहीं होगा और उनको परमानेंट घर नहीं रहेगा। वो हर एक बार घर बदलते ही बदलते रहेंगे, उनको घर नहीं होगा, स्थायी घर नहीं होगा। जब ये भृगु महर्षि ने ये बात देखी, भृगु महर्षि को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव बहुत ही तपस्या युक्त हुए और उन्होंने भृगु महर्षि को प्रसन्न होकर कहा, क्यों ने मुझे बुलाया? तो उन्होंने ये सारी घटना सुनाई कि लक्ष्मी माँ यहाँ से चली गई है और यहाँ के लोगों को ऐसा श्राप देकर चली गई है, अब आगे इसका कैसा करना है। तब भगवान शिव कहते हैं कि मैं तो यहाँ रहूँगा लेकिन इसके साथ साथ मेरी शक्ति का रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं माता पार्वती का आह्वान करता हूँ। पार्वती को आह्वान किया, तब नर्मदा का जल तट आज जहाँ आज आप सौभाग्य सुंदरी को देखते हो वहाँ तक नर्मदा जल था और उसमें एक ही कच्छप था, कच्छप होता है टार्टाइज, तो वो टार्टाइज था और उसके ऊपर माता पार्वती बैठकर शिव जी के लिंग के पास आई और कहा, माता पार्वती को देखने के बाद शिव जी ने कहा, तुम कितनी सुंदर लग रही हो कच्छप पर बैठकर। और उन्होंने कहा कि आज से हे प्रभु, जो इस माता को इसी रूप में साधना करेगा, इसी रूप में इसकी आराधना करेगा, उसका दुर्भाग्य भी हो या किसी ने श्राप भी दिया हो, किसी ने कोई गलती से कुछ कहा भी हो, उसका श्राप निरंतर चला जाएगा और इसको इस यहाँ रहने वाले जो ब्राह्मणों को श्राप दिया गया है वो ब्राह्मणों का ये होगा, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और इसलिए मैं इनका नाम सौभाग्य सुंदरी रख रहा हूँ। अब आई बात, ये सारी चीज़ें होते हुए भी हमारे जीवन में हम बहुत बार देखते हैं, कभी कभी अपने माता पिता अपने पर गुस्सा करते हैं बड़े होने के बाद। अब उतनी बात कह, मेरे पिताजी भी मुझे गुस्सा करते, बहुत खर्चा कर देता है, इसको पता नहीं है, इसको अक्ल नहीं है, ये सब लोग सुनते थे। और गुरुजी के पास जाने के बाद भी मेरे पिताजी गुरुजी को खत लिखे कि ये साधना के नाम पर बैठा है, नौकरी छोड़ रहा है, सरकारी नौकरी ब्राह्मणों को पहले मिलते नहीं, ये सरकारी नौकरी छोड़ के साधनाओं के पीछे पड़ा है, आप उसको बताओ। मेरे यानी बड़े गुरुदेव जी को मेरे पिताजी ने लेटर लिखा था, ये तो बात आप सब जानते हैं। आजकल मैं साधनाओं में सुनता हूँ, गुरुजी मेरी पत्नी साधना नहीं करने देती, मेरे बेटे साधना करने नहीं देते, मेरे माँ बाप साधना नहीं करने देते, मेरे सास ससुर साधना नहीं करने देते, ऐसे मेरे पास रोज़ के कॉम्प्लेंट्स हैं। और दूसरी बार साधना करते समय गुरुजी मन नहीं लगता, मन चंचल होकर घूमता रहता है। या चौथी बार कहते हैं कि गुरुजी बीमारी की वजह से ज़्यादा देर पाँव में बहुत दर्द है गुरुजी, एक मिनट बैठता हूँ और पाँव दर्द देता है, गुरुजी के चेयर पर बैठ के साधना करता हूँ। मैं बोला सो जा के साधना कर लेते हैं, अब क्या सर दर्द कितना बोल के उन्होंने पहले थे वो चेयर पर बैठ कर साधना बोला, बाद में सो के साधना करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति अगर आ गई तो साधना क्या करोगे? साधना करने के बाद अब आगे कुछ जीवन में साधना कुछ सिद्धि करना है तो किस प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी? इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपन हम साधना करते समय ऐसी अड़चने ना आए, या अपने बड़ों का श्राप कभी कभी अपने को काम करता है, कितने भी अच्छे हो। आपको अगर आप लास्ट गुरु पूर्णिमा आए होंगे तो एक अपने आश्रम में चंदन नाम का लड़का था, वो आश्रम में करते करते अपने कुंड में ही ज़्यादा पानी नहीं था, उसने पिताजी के साथ सुबह झगड़ के आया था, उसके पिताजी का और उसका झगड़ा बहुत रोज से चलता, तू मर रहा मैं तो मर रहा, ऐसी बातें थी। किसी बात में उसके पिताजी ने कुछ गाली दे दी, उस दिन वो दो दिन से बिना खाए साधना को आया और हम सब लोग साधना करके 8 बजे सब लोग उठ कर रहे थे, उसका पाँव फिसल गया और कुंड में गिर गया और मर गया। बाद में स्वयं उसकी माँ वहाँ थी तो अच्छा हुआ, माँ ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, कभी सुबह से खाना नहीं खाया था। बाद में पता, मैं तुम्हें ये बात क्यों उदाहरण दे रहा हूँ कि कभी कभी अपने माता पिता भी अपने को श्राप देते हैं किसी कारणवश, अपने सास ससुर भी किसी कारणवश श्राप देते हैं, या किसी कारणवश अपने को कोई बड़ा आदमी गुस्सा करता है, अपने गुरु का क्रोध अपने ऊपर रहता है, या किसी ये सारी चीज़ें कभी ना कभी किसी न किसी तरह अपने पीछे घूमती ही रहती है और अपने कामों में अपने कर्मों में अड़चन निर्माण करती है। अपने कामों में अड़चन निर्माण हो रहा है तो या तो ग्रहों का कोप होगा, या तो देवता का कोप होगा, या तो पितरों का कोप होगा, या तो फिर हमारे कर्मों का कोप होगा। ये सब कोप हमके अनजाने में होते हैं या जाने में, अपने को पता चलता है कि अनजाने में या जाने में अपने को ये क्रोध हुआ है। ऐसे समय में इन सब शापों का उद्धार होने, इस शापों का उद्धार होकर हमारे बिजनेस में हमें अड़चन आ रही है, या हम करेक्ट सब काम करके रखे हैं, सड़न हम बीमार हो गए, उसी दिन जाना है। और ज़्यादातर आजकल को देखा गया है कि डाइवोर्स के किस्से, एंड डाइवोर्स में पति पत्नी का झगड़ा और पत्नी दो दिन में बाहर,
ऐसी चीज़ें तो बहुत सामने आ रही। ऐसे समय में ऐसा क्यों होता है? उस जमाने में एक क्या था कि पत्नी अपने पति को ही पकड़ कर रहती थी। आजकल स्त्रियां भी अपनी नौकरी के कारण एकदम स्वतंत्र हो गई है और उसको नहीं लगता कि किसी का रुबाब मेरे ऊपर चले। मैं मेरा काम करता हूँ, तू तेरा काम कर ले। और ये काम क्या होता है, पति पत्नी की ये दोनों तो झगड़ते हैं लेकिन नुकसान होता है बच्चों का, और बच्चे आगे उस सुख को भोग नहीं सकते जो चाहिए, और इस प्रकार संसार विस्फलित हो जाता है। गृहस्थ का सुख नहीं मिलता, चाहे तुम कितना भी पत्नी भी कमाओ पति भी कमाओ दोनों कमा रहे सब कुछ, लेकिन बच्चों का क्या, संसार का सुख कहाँ है? सास ससुर आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेरे देखने में, जहाँ तक मेरा देखना है, कि आजकल माँ बाप केवल दाया का काम करते हैं। अगर बच्चे अमेरिका में हैं और बेटी और बेटा या दामाद और बहू साधना कर रहे हैं तो 6 महीने सास ससुर रहते हैं, 6 महीने माँ बाप रहते हैं बच्चों को देखने के लिए। ये स्थिति हो गई, आज उनकी स्वतंत्रता नहीं, वो कुछ अपनी साधना नहीं कर सकते। अपनी साधना अपने जीवन में कुछ कम से कम बुढ़ापे में एक सुख अनुभव करना चाहते हैं, वो सुख भी अनुभव नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति आजकल का, आज दो ही बच्चे, बेटी कहती है माँ मेरे को नौकरी जाना है, बाप दामाद कहता मुझे नौकरी जाना है, फिर बच्चों को देखे कौन? बच्चों को पालने के लिए माँ बाप को बुलाया जाता है अमेरिका, 6 महीने सास ससुर रहेंगे 6 महीने। ये भी कहती है हम कितने दिन करना, वो कहते हैं हमें। तो इसी में क्या हम इतना पैसा कमा के इतना सब क्या सुखी है? हमने सुख अनुभव किया है, ये सुख अनुभव कर रहे हैं। और ये जब तक हमारे जीवन में ऐसा ही जीवन चलता रहा तो आजकल हमारे में प्रेम नहीं रहा, केवल पैसा रहा है। भाई बहन पति पत्नी या इसमें केवल पैसा बात करता है। ऐसे समय में यह कार्य करने के लिए ही सौभाग्य सुंदरी का यहाँ आवरण हुआ है, और कहते हैं कि जिसने भी सौभाग्य सुंदरी का दर्शन किया, सौभाग्य सुंदरी का दर्शन करके सौभाग्य सुंदरी का मंत्र जाप किया, उसमें एक पान पर कुमकुम से एक छोटा सा यंत्र निकाल कर सौभाग्य सुंदरी का यंत्र रखकर उसके ऊपर अगर हम पूजा करते हैं और केवल 5 दिन या 11 दिन या कुछ एक माला मंत्र जप करते हैं, तो उस घर में ये जो मैंने आपको बताया, जो झगड़े हैं, पति पत्नी का विचार विचलित होना या बच्चों का माँ बाप से अलग हो जाना, या फिर हम किसी बीमारी की वजह से अपने घर में कर्मरत नहीं होना, कर्म कार्य नहीं करना, अपने कार्यों में अड़चन निर्माण होना, या अपने बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल उनको नहीं मिलता, फल आते समय कोई ना कोई उठा के ले जाता है, लूट के जाता है।